गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम एक्सरसाइज़ फाइव बी जिसमें हमें पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स के बारे में स्टडी करना है कैसे हम इनको ऐड कर सकते हैं कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे और नंबर लाइन का यूज़ कैसे करेंगे इनको सॉल्व करने के लिए तो सबसे जो हमारा पहला सम है फर्स्ट इसमें हमें नंबर लाइन का ही यूज़ करना है और ये जो हमारी स्टेटमेंट गिवन है इनको हमें सॉल्व करके दिखाना है अब उससे पहले मैं कुछ आपको बेसिक्स बताऊंगा वो आपने ध्यान से सुनना है जिसका यूज़ आगे भी हमारे पास होगा वो है कि अगर हमारे पास ब्रैकेट लगी हुई है तो ब्रैकेट जब हम खोलेंगे तो कौन कौन सा साइन हमें चेंज करना है किस तरह से चेंज करना है अब जैसे अगर अंदर और बाहर ब्रैकेट के अंदर और बाहर सेम साइन है या तो दोनों प्लस हो, या फिर दोनों माइनस हो अंदर भी और बाहर भी तो आंसर जो है वो ब्रैकेट खुलने के बाद प्लस में लिखा जाता है ये आपको ध्यान रखना है फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ब्रैकेट अगर हमें हटानी है तो प्लस और माइनस ये दोनों अलग अलग हैं अगर तो सेम हो दोनों प्लस दोनों माइनस तो, तो प्लस ही रहता है अगर दोनों अलग अलग हों एक प्लस और एक माइनस तो हमेशा माइनस ही रहता है ध्यान देने की बात क्या, अगर तो अगर अगर तो क्या है? अगर दोनों सेम तो आएगा प्लस अगर दोनों माइनस सॉरी अगर दोनों अलग अलग तो आएगा माइनस क्या थी लाइन रिपीट करते हैं अगर दोनों सेम तो आएगा प्लस अगर दोनों अलग अलग तो आएगा माइनस ये आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा उसके बाद नंबर लाइन पे कैसे हमें इसको फाइंड आउट करना है उसके लिए आपको ध्यान देना है कि दो वर्ड्स हमारे जो दिए गए हैं इनमें जो सबसे पहला होता है जैसे यहाँ पर माइनस टू प्लस माइनस थ्री तो अब इस स्टेटमेंट को अगर हम चाहें तो कुछ इस तरह से लिख सकते हैं माइनस टू माइनस थ्री क्यों क्योंकि फर्स्ट ब्रैकेट एज इट इज़ खुलती है इसके आगे प्लस और माइनस दोनों अलग अलग हैं तो इसलिए हमने यहाँ पर माइनस थ्री लिखा है अब हमें क्या ध्यान देना है जो फर्स्ट वर्ड होगा फर्स्ट वर्ड जो होता है वो डायरेक्ट हमें ज़ीरो से वहाँ पे जाना है फ़र्स्ट वर्ड पे डायरेक्ट जाना है हमें ज़ीरो से और जो नेक्स्ट वर्ड होगा उतने स्टेप हमें मूव करने हैं और किस डायरेक्शन में मूव करने हैं वो यहाँ देख के प्लस है तो राइट साइड मूव करना है माइनस है तो लेफ़्ट साइड मूव करना है ये हमें ध्यान देना है क्या हमने समझा कि दो वर्ड्स जो हैं दोनों में से फर्स्ट वर्ड पे तो डायरेक्ट हमें ज़ीरो से चले जाना है और जो नेक्स्ट वर्ड होगा वो स्टेप्स हैं मूव करने के लिए और डायरेक्शन उसकी प्लस और माइनस प्लस का होगा तो राइट साइड मूव करना है माइनस का होगा तो लेफ्ट साइड अब कैसे करना है वो मैं आपको करके दिखाता हूँ फर्स्ट है हमारा माइनस टू माइनस थ्री तो हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले हम अपनी नंबर लाइन बनाएंगे कॉपी पे और नंबर लाइन बनाने के बाद हमें जो है फर्स्ट वर्ड को नोट करना है माइनस टू तो हम जो है ज़ीरो से जाएंगे माइनस टू पे इस तरह से आपने जाना है बीच में ऐसे ऐसे करके नहीं जाना है और एरो का जो है स्पेशल ध्यान रखना है एरो उस तरफ होनी चाहिए जहां हम पहुंचे हैं जहां से चले वहां नहीं हमें कोई भी सम स्टार्ट करना है तो वो हमें ज़ीरो से ही स्टार्ट करना है अब हम ज़ीरो से डायरेक्ट गए माइनस टू पर फर्स्ट वर्ड डायरेक्ट मूव करना है आपने फिर जो है नेक्स्ट है माइनस थ्री अब प्लस और माइनस दो वर्ड्स दो साइन हैं तो अलग अलग हैं तो माइनस ही माना जाएगा यहाँ पे अब माइनस डायरेक्शन किस तरफ है वो लेफ्ट साइड प्लस डायरेक्शन किस तरफ होती है राइट right साइड जब आप नंबर लाइन बनाएंगे तभी आपने इस तरह से प्लस और माइनस एक साइड में लिख लेना है प्लस इस तरफ होता है राइट साइड और माइनस नेगेटिव लेफ्ट साइड अब हमें ध्यान देना है मूव तो हमें करना है लेफ्ट साइड कितना मूव करना है थ्री स्टेप्स अब थ्री स्टेप कहाँ से काउंट करना है बहुत से बच्चों को मैंने देखा वो यहाँ से जीरो से सीधा थ्री पे चले जाते हैं ऐसा गलत है जहाँ हम पहले पहुँचे हुए हैं माइनस टू पे वहाँ से हमें तीन स्टेप जो है काउंट करने हैं तीन स्टेप काउंट करने हैं किस तरफ काउंट करने हैं जो हमारा साइन होगा यहाँ पर साइन है माइनस तो हम इस तरफ मूव करेंगे लेफ्ट साइड तो कहाँ से टू से तो टू के बाद वन टू थ्री तो फाइव पे हम पहुंच जाएंगे तो अब टू से स्टार्ट करके फाइव पे हमें चले जाना है तो हमारा जो फाइनल आंसर है उसको हमें कर देना है सर्कल तो ये हमारा इस तरह से साम सॉल्व होगा बिल्कुल साफ साफ करना है एरो उस तरफ होंगे जिस तरफ हम जा रहे हैं अब यहाँ से टू से हम गए माइनस फाइव पे, तो इसलिए एरो का फेस इस तरफ रहेगा नेक्स्ट करके देखते हैं माइनस सिक्स प्लस माइनस वन तो पहले हम कहाँ पे पहुँचेंगे माइनस सिक्स पे कहाँ से चलेंगे कहाँ से ज़ीरो से तो ये आप ऊपर से लिखो या नीचे से एक ही बातें हैं तो माइनस सिक्स पे हम गए और यहाँ लगा दिया हमने एरो उसके बाद माइनस वन है अब मैंने आपको सिखाया कि अगला जो होता है वो स्टेप्स टू मूव मतलब हमें कितने स्टेप मूव करने हैं वो यहाँ से पता चलेगा अब वन स्टेप जो है हमें मूव करना है लेकिन किस तरफ माइनस तो माइनस होता है इस डायरेक्शन में तो सिक्स के बाद एक काउंट करेंगे तो कहाँ पहुँच जाएंगे सेवन पे तो आंसर आ जाएगा माइनस सेवन तो सेवन की तरफ एरो हमारा फेस होना चाहिए और सेवन को हम कर देंगे सर्कल नेक्स्ट जो है माइनस थ्री प्लस माइनस फाइव तो पहले हम कहाँ जाएंगे माइनस थ्री पे कहाँ से जाएंगे ज़ीरो से तो ज़ीरो से हम गए माइनस थ्री पे उसके बाद माइनस फाइव है तो फिर से हमें इसी डायरेक्शन में मूव करना है क्योंकि माइनस लगा हुआ है और कितने स्टेप फाइव स्टेप वैसे आप डायरेक्ट भी देख सकते हैं कि तीन पे हम पहुंचे हुए तीन में पांच जोड़ेंगे तीन पांच आठ तो हम आठ तक पहुंच जाएंगे अगर ऐसे नहीं आता तो पांच स्टेप काउंट कर सकते हैं आप तीन को छोड़ के आगे काउंट करने वन टू थ्री फोर फाइव तो देखो एट पर आ रहे हैं ना तो अब हम यहाँ से थ्री से स्टार्ट करके एट तक पहुंच जाएंगे और एट को एरो लगाएंगे और सर्कल कर देंगे कि हमारा फाइनल आंसर जो है वो है एट नेक्स्ट स्टेटमेंट भी सेम है अब इसमें फर्स्ट जो वर्ड है वो है वन तो ज़ीरो से हम आएंगे वन पे उसके बाद माइनस सेवन अब माइनस तो इस तरफ है तो यहाँ से वन से हमें स्टार्ट करना है ये बात आपको स्पेशल अपने दिमाग में रखनी है कि जहाँ हम पहुँचे हुए हैं वहाँ से हमें काउंटिंग स्टार्ट करनी है ज़ीरो से नहीं करनी है दोबारा से अब जो है वन से हम इस पॉइंट पे हैं अब हम वन पे तो यहाँ से हमें काउंटिंग इधर स्टार्ट करनी है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन तो कहाँ पहुँच रहे हैं हम माइनस सिक्स पे तो वन से हम चल के आ जाएंगे माइनस सिक्स पर और इसको कर देंगे सर्कल नेक्स्ट स्टेटमेंट है सिक्स माइनस इलेवन तो आपने क्या करना है पहले सिक्स पे जाएंगे हम ज़ीरो से सिक्स पे फिर सिक्स से हम जो है माइनस ट्रैवल करना है हमें तो माइनस इस तरफ होता है लेफ़्ट साइड ट्रैवल करना है हमें राइट right साइड नहीं करना है तो लेकिन स्टार्ट कहाँ से करना है सिक्स से तो सिक्स के बाद काउंट करना शुरू करो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन तो कहाँ पहुँच रहे हैं फाइव पे तो यहाँ से हम चल के आ जाएंगे फाइव पे और फाइव कौन सा माइनस फाइव और इसको कर देंगे सर्कल नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारी एट माइनस एट तो पहले हम ज़ीरो से जाएंगे प्लस एट पे फिर माइनस एट लिखा हुआ है तो माइनस डायरेक्शन होती है लेफ्ट साइड तो अब हमें एट से काउंटिंग करनी है एट तक लेकिन इस डायरेक्शन में लेफ्ट डायरेक्शन में तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट तो आंसर हमारा बन जाएगा जीरो नेक्स्ट स्टेटमेंट भी सेम इसी तरीके से आपने सभी सम को सॉल्व करना है इसमें कोई ब्रैकेट नहीं है तो इसको भी आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है जैसे सिक्सटीन पे जाओ पहले ज़ीरो से फिर माइनस इलेवन लिखा हुआ तो यहाँ से लेफ्ट साइड में ट्रैवल करना शुरू कर दो कितने स्टेप चलोगे इलेवन एक बात ध्यान रखनी है जहां हम पहुँचे उसको काउंट नहीं करना होता है उसके नेक्स्ट वाले से शुरू करना होता है काउंटिंग वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन तो हम जाएंगे फाइव पे और इसको कर देंगे सर्कल ये था हमारा फर्स्ट सम नेक्स्ट हम देखते हैं सेकेंड जो है हमारा एड द फॉलोइंग इंटीजर्स तो हमें इनको ऐड करना है नंबर लाइन नहीं मेंशन किया गया है तो हम डायरेक्ट इनको सॉल्व कर सकते हैं रूल मैंने आपको बताया कि जब हम इनको सॉल्व करेंगे कोमा की जगह लगाएंगे प्लस और दोनों के ऊपर ब्रैकेट फिर हम ब्रैकेट को हटाएंगे। ब्रैकेट कब लगानी है जब इनमें प्लस माइनस सॉरी माइनस के भी नंबर्स हों जैसे लास्ट वाला कोई भी माइनस का नहीं है तो ब्रैकेट का यूज़ करने की जरूरत तो नहीं है डायरेक्ट हम इनको प्लस कर सकते हैं तो रूल क्या रहेगा अगर ब्रैकेट के अंदर बाहर सेम है दोनों प्लस या दोनों माइनस तो तो आंसर जो ब्रैकेट खुलने के बाद आता है प्लस और अगर दोनों अलग अलग एक प्लस एक माइनस या माइनस प्लस तो आंसर होता है माइनस में अगर दोनों सेम तो आएगा प्लस अगर दोनों अलग अलग तो आएगा माइनस अब हम यहाँ लिखेंगे माइनस एट फर्स्ट वाले पे ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है फिर कोमा की जगह प्लस प्लस क्यों लगा रहे हैं क्योंकि स्टेटमेंट में लिखा हुआ है ऐड एड। तो ऐड करेंगे तो माइनस सिक्स को अब हम यहाँ नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे माइनस एट अब आप यहाँ नोट कर रहे हैं जो मैंने रूल बताया आपको दोनों अलग अलग तो आएगा माइनस और ब्रैकेट हट जाएगी और आंसर सिक्स अभी सिर्फ इस ब्रैकेट का आंसर है ये फाइनल आंसर नहीं है फाइनल आंसर अब शुरू होगा अब आपने यहाँ पे ये तो था ब्रैकेट खोलने का रूल क्या कि अगर दोनों सेम तो आएगा प्लस अगर दोनों अलग अलग तो आएगा माइनस अब इनको सॉल्व कैसे किया जाता है अब आपको ध्यान रखना है कि अगर दोनों सेम होंगे या तो दोनों प्लस के हों या दोनों माइनस के तो उनको नंबर्स को इकट्ठा कर दिया जाता है इकट्ठा कैसे जैसे ये माइनस का एट माइनस का सिक्स तो आंसर माइनस का ही रहेगा लेकिन माइनस के टोटल कितने गए आठ और छः चौदह तो माइनस फोर्टीन एक एग्जाम्पल आपको लिख के दिखाता हूँ माइनस एट सॉरी माइनस एट प्लस सिक्स इसी से मिलता जुलता वैसे हम एग्जाम्पल कर रहे हैं स्टेटमेंट में नहीं है इसमें आप क्या करोगे अब देखो एक प्लस का है एक माइनस का है। अलग अलग है तो आपको क्या करना है माइनस करना है बड़े में से छोटे को बड़ा कौन एट छोटा कौन छः तो आठ में से छः के दो आएगा आंसर तो आना चाहिए टू लेकिन आएगा किसका जो बड़ा होगा बड़ा कौन है एट एट है माइनस का तो आंसर माइनस टू आएगा इस केस में इस केस में क्या था दोनों माइनस के थे तो हमने इनको इकट्ठा करना था क्योंकि दोनों सेम कैटेगरी के, के हैं माइनस के लेकिन आंसर माइनस में ही रखेंगे क्यों क्योंकि जो दोनों के आगे होगा वही आएगा अगर दोनों अलग अलग होंगे फिर वो आएगा जो बड़ा होगा बड़ा यहाँ पे माइनस एट था तो इसीलिए हमने आंसर माइनस में लिखा तो ये रूल आपको बेसिक याद रखने यहाँ पे भी सेम स्टेटमेंट है माइनस एट प्लस माइनस वन ब्रैकेट खुलने के बाद माइनस एट माइनस वन क्यों दोनों अलग अलग ब्रैकेट के अंदर बाहर अलग अलग अब दोनों माइनस के हैं तो माइनस का हो जाएगा नाइन नेक्स्ट स्टेटमेंट है माइनस सिक्स और नेक्स्ट वाला जो सेकंड स्टेटमेंट है उसके आगे माइनस नहीं है तो हम जो है बिना ब्रैकेट के भी इसको सॉल्व कर सकते हैं प्लस सिक्स अब यहाँ पे अगर आप देखें तो एक प्लस का एक माइनस का तो हमें माइनस करना है अब दोनों बराबर हैं तो छः में से छः गया ज़ीरो आंसर हमारा आ जाएगा ज़ीरो नेक्स्ट है माइनस थ्री फिर प्लस ब्रैकेट माइनस टू तो हम क्या लिखेंगे माइनस थ्री प्लस माइनस अलग अलग हैं दोनों तो माइनस टू तो आंसर बन जाएगा माइनस का फाइव माइनस फाइव क्यों आया क्योंकि दोनों माइनस के हैं नेक्स्ट डेट है माइनस वन प्लस माइनस टू फिर माइनस वन प्लस माइनस माइनस ये आ गया अब ध्यान दो आप दोनों माइनस के हैं तो आंसर हो जाएगा माइनस का थ्री फिर है एट और सिक्स तो एट प्लस ये होता है फोर्टीन ये हमारा आंसर नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं थर्ड सम थर्ड वाले में है यूज द नंबर लाइन टू सॉल्व द फॉलोइंग अब इसमें हमें नंबर लाइन का यूज करना है इनको सॉल्व करने के लिए बिल्कुल आसान स्टेटमेंट है जैसे हमने फर्स्ट सम किया था उसी से मिलता जुलता सम है बस हमें एक ब्रैकेट को सॉल्व कर लेना है पहले जैसे सिक्स सिक्स प्लस माइनस थ्री तो इसमें हमें क्या करना है सिक्स दोनों साइन अलग अलग हैं तो क्या लिखेंगे माइनस थ्री अब सिक्स माइनस थ्री को हमें नंबर लाइन पे सॉल्व करना है ध्यान देनी है ये बात डायरेक्ट हमें इसका आंसर निकालने की जरूरत नहीं है हमें इसको नंबर लाइन पे सॉल्व करना है ये भी सॉल्व करके दिखाने की जरूरत नहीं होती ये तो मैंने वैसे हमें समझने के लिए लिखा है आपको यहीं से पता चलना चाहिए क्या पता चलना चाहिए कि छः है ये तो प्लस का है तो पहले हम छः स्टेप जीरो से चलेंगे फिर माइनस थ्री है क्योंकि प्लस माइनस है तो माइनस का ही थ्री है ये ये हमें अपने दिमाग में रखना है अब हमें इसको अगर सॉल्व करना है तो नंबर लाइन जो फर्स्ट सम वाली है उसी का यूज़ करते हैं आपने अलग से बनानी है तो हमें जो सॉल्व करना है वो है सिक्स माइनस थ्री तो यहाँ हम लिखेंगे सिक्स प्लस माइनस थ्री अब आप ध्यान दें छ जो है वो प्लस का है तो जीरो से हम जाएंगे सिक्स पे फिर सिक्स से माइनस थ्री है माइनस वाली डायरेक्शन मैंने आपको बताया इधर होती है प्लस वाली इधर तो लेफ्ट साइड में हमें मूव करना है कितने स्टेप मूव करना है थ्री स्टेप तो छः से हम काउंट करना स्टार्ट करेंगे और ये भी मैंने आपको बताया जहाँ से हम शुरू करते हैं उसको इंक्लूड नहीं करना है तो नेक्स्ट वन टू थ्री तो कहाँ जाएंगे हम थ्री पे तो सिक्स से हम आएंगे डायरेक्ट थ्री पे और थ्री को कर देंगे सर्कल और एक चीज़ जो मैंने फर्स्ट सम में नहीं आपको बताई वो क्या कि ये जो एरो हम लगाते हैं इसके ऊपर आपने नंबर्स भी लिखने हैं जो आपने मूव किए हैं जैसे फर्स्ट एरो पे हमने मूव किया सिक्स तो इसके ऊपर लिखेंगे हम सिक्स इस एरो पे ये जो लगाई है हमने ये वाली इस पे हमने मूव किया था माइनस थ्री तो हम यहां लिखेंगे माइनस थ्री तो ये भी आपको जरूर लिखना है फर्स्ट सम में अगर आपने ये सॉल्व कर लिया है नहीं लिखा है तो इसके ऊपर जरूर लिखें आप नेक्स्ट भी आपको करके दिखाते हैं वन माइनस प्लस थ्री अब यहाँ से हमें अंडरस्टूड होना चाहिए अंदर बाहर देखो अलग अलग साइन है प्लस माइनस अलग अलग हो तो किसका होता है ये माइनस का तो इसका मतलब ये थ्री जो है वो माइनस का थ्री है अब ध्यान देना है आपने कभी इसको प्लस का सोच लें ब्रैकेट के अंदर बाहर देखना है हमने दोनों साइंस को दोनों साइन क्या है अलग अलग तो ये माइनस का थ्री ही माना जाएगा अब वन पे मूव करना है हमें तो जीरो से हम जाएंगे कहाँ पे वन पे और इसके ऊपर लिखेंगे वन फिर ये मैंने आपको क्या बताया कि ये किसका थ्री है माइनस का थ्री है प्लस का नहीं है क्योंकि ब्रैकेट के अंदर बाहर अलग अलग हैं तो हम इस तरफ जो है काउंटिंग करेंगे वन टू थ्री तो माइनस टू पे हम पहुंच रहे हैं तो वन से हम जाएंगे माइनस टू पे और जो स्टेप मूव किए हैं हमने वो है माइनस के तीन तो इस एरो के ऊपर लिखेंगे माइनस थ्री नेक्स्ट स्टेटमेंट है ट्वेल्व प्लस माइनस फाइव तो पहले हम डायरेक्ट जीरो से पहुंचेंगे ट्वेल्व के ऊपर और यहाँ इसके ऊपर लिख देंगे ट्वेल्व फिर ट्वेल्व से माइनस फाइव है तो इस डायरेक्शन में पांच स्टेप मूव करने हमने वन टू थ्री फोर फाइव तो सेवन पे आ रहे हैं तो यहाँ हम सेवन पैरों लगाएंगे और इसको कर देंगे सर्कल और इसके ऊपर लिख देंगे माइनस फाइव नेक्स्ट स्टेटमेंट भी सेम इसी तरीके से आपने इनको सॉल्व कर लेना है सेम सम है कोई भी अलग नहीं है ई e पार्ट आपको करके दिखा देते हैं इन तीनों में से वन पे जाओ पहले तो ज़ीरो से वन फिर इसके ऊपर लिख दो वन फिर माइनस फाइव है माइनस मूवमेंट इस तरफ होती है तो हम मूव करेंगे वन सॉरी जहाँ पे होते हैं उसको इंक्लूड नहीं किया जाता है तो ज़ीरो से शुरू करेंगे हम वन टू थ्री फोर फाइव तो वन से अगर हम चलें तो पहुँचेंगे माइनस फोर पे और कब पहुँचेंगे जब माइनस फाइव स्टेप को मूव किया जाएगा नेक्स्ट जो है हमारा सम वो है फोर्थ सम फोर्थ भी बिल्कुल आसान है हमें एड द फॉलोइंग बोला गया है नंबर लाइन का यूज करने के लिए नहीं कहा गया है तो हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं जहां एंड है वहां पे प्लस लगाएंगे और ब्रैकेट को हटाएंगे कैसे माइनस ट्वेंटी प्लस प्लस थर्टी अब आपको मैंने रूल तो सिखाया यह फर्स्ट ब्रैकेट तो एज इट इज़ खोल देनी आपने सेकेंड में अंदर बाहर देखो यहां पे क्या है सेम तो सेम हो तो प्लस थर्टी अब एक माइनस का है स्टेटमेंट एक प्लस का है तो बड़े में से छोटे को माइनस करना है अपने थर्टी में से ट्वेंटी गया टेन अब बड़े के आगे देखो क्या है बड़ा कौन है थर्टी थर्टी के आगे प्लस तो आंसर क्या प्लस नेक्स्ट स्टेटमेंट है प्लस टेन प्लस माइनस ट्वेल्व अब यहां पे हम देखें प्लस टेन फर्स्ट ब्रैकेट सेम खुलेगी दोनों अलग अलग साइन है तो माइनस ट्वेल्व अब बड़े में से छोटे को घटाओ ट्वेल्व में से टेन गया टू लेकिन बड़ा माइनस का तो आंसर भी माइनस टू नेक्स्ट स्टेटमेंट है प्लस एट प्लस माइनस ट्वेंटी अब यहां पे प्लस एट दोनों अलग अलग हैं तो माइनस ट्वेंटी तो प्लस एट माइनस ट्वेंटी बड़े में से छोटे को घटाओ ट्वेल्व लेकिन बड़ा माइनस का तो माइनस ट्वेल्व नेक्स्ट है माइनस सेवन प्लस माइनस थ्री तो यहाँ पे माइनस सेवन प्लस माइनस माइनस थ्री दोनों अलग अलग हैं ना ब्रैकेट के अंदर बाहर तो आंसर जो ब्रैकेट खुलने के बाद आता है वो माइनस में है अब दोनों ही माइनस के हैं यहाँ पे स्टेटमेंट तो दोनों एक जैसे हों तो उनको घटाया नहीं जाता है उनको इकट्ठा कर दिया जाता है तो माइनस के कितने हो जाएंगे टेन ये भी माइनस के सात हैं ये माइनस के तीन है तो टोटल हो गए माइनस के टेन उसके बाद माइनस ट्वेंटी फिर प्लस फिर हम लगाएंगे ब्रैकेट माइनस थर्टी तो ब्रैकेट फर्स्ट एज इट इज खुलेगी और दोनों साइन अलग अलग तो माइनस थर्टी अब दोनों माइनस के हैं तो इकट्ठा कर दो इनको माइनस के हो जाएंगे फिफ्टी ये था हमारा फोर्थ सम लास्ट सम है हमारा फिफ्थ बिल्कुल आसान करना क्या है ऐड द फॉलोइंग जैसे हमने फोर्थ किया वैसे ही ये करेंगे थोड़ा सा दिमाग से करना है थ्री फोर्टी थ्री फिर कोमा की जगह लगाएंगे प्लस फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट में माइनस नहीं है तो सीधा हम लिख सकते हैं थ्री फाइव सिक्स फिर नेक्स्ट में माइनस है तो हम प्लस लगा के ब्रैकेट लगाएंगे पहले थ्री फोर थ्री अब पहला काम हमारा होना चाहिए ब्रैकेट को हटाने का तो हम लिखेंगे थ्री फोर थ्री प्लस थ्री फाइव सिक्स फिर प्लस माइनस माइनस थ्री फोर थ्री अब एक चीज अगर आप नोट कर रहे हैं तो थ्री फोर थ्री प्लस का थ्री फोर थ्री माइनस का तो सेम में से सेम को माइनस करें तो जीरो होता है तो इसको आपने यहाँ पे कैंसिल कर देना है एक प्लस का एक माइनस का सेम स्टेट में कैंसिल हो जाती है तो आंसर हमारा आ जाएगा थ्री फाइव सिक्स प्लस का ठीक है नेक्स्ट स्टेटमेंट भी ऐसे ही है बिल्कुल आसान है माइनस सेवन ट्वेंटी सिक्स फिर प्लस सेवन एट नाइन प्लस सेवन टू सिक्स फिर प्लस अब माइनस का है ये तो माइनस टू थ्री सिक्स अब हम देखेंगे यहाँ पे माइनस का टू सेवन सिक्स और माइनस का ही सॉरी प्लस का टू सेवन सिक्स ये तो दोनों सेम है लेकिन एक के आगे प्लस है एक के आगे माइनस है तो यहाँ पे इसको हम क्या कर सकते हैं कैंसल तो हमारी स्टेटमेंट बचेगी सेवन एट नाइन और यहाँ पे देखो ध्यान से ब्रैकेट के अंदर बाहर क्या है अलग अलग तो अलग अलग हैं तो माइनस टू थर्टी सिक्स अब हमारा छोटा सा काम रह गया है सेवन एट नाइन में से टू थ्री सिक्स को माइनस करना है तो माइनस करना तो आपको आता होगा जैसे नाइन में से सिक्स गया थ्री एट में से थ्री गया फाइव सेवन में से टू गया फाइव तो आंसर आ गया हमारा फाइव फाइव थ्री नेक्स्ट जो है स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल ही सिंपल टू नाइन थ्री प्लस माइनस टू नाइन थ्री तो इसमें क्या करेंगे टू नाइन थ्री ब्रैकेट के अंदर बाहर अलग अलग तो माइनस टू नाइन थ्री तो सेम है तो कैंसिल हो जाएंगे आंसर आ जाएगा ज़ीरो नेक्स्ट स्टेटमेंट में सेम इसी तरीके से हमें ब्रैकेट्स लगा के दी गई हैं तो हमें ब्रैकेट हटाने का तरीका तो आता है तो कैसे हटाएंगे एट थ्री फाइव फिर आप देखें प्लस माइनस दोनों अलग अलग हैं तो माइनस थ्री थ्री सिक्स फिर प्लस माइनस दोनों अलग अलग हैं तो माइनस टू सिक्स फोर तो अब आपको सिंपल काम क्या करना है आपको करना है पहले एट थर्टी फाइव में से थ्री थ्री सिक्स को कर दोगे माइनस फिर जितना आंसर बचेगा उसमें से करोगे माइनस टू सिक्स फोर को तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो हमें मिल जाएगा इसको आपने खुद सॉल्व करना है लास्ट जो है हमारा सम वो है सेवन जीरो फोर तो इनकी ब्रैकेट को भी खोलते हैं साथ के साथ सेवन ज़ीरो फोर फिर प्लस माइनस दोनों अलग अलग है ना तो माइनस फोर फिर प्लस माइनस है तो माइनस टेन फिर प्लस का टेन फिर प्लस माइनस अलग अलग है तो माइनस हंड्रेड। अब एक चीज़ आप नोट करो प्लस टेन माइनस टेन तो ये तो हो जाएंगे यहीं पे कैंसिल सेवन ज़ीरो फोर में से फोर को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा सेवन हंड्रेड और यहाँ से बचा है माइनस हंड्रेड सेवन हंड्रेड में से हंड्रेड गया सिक्स हंड्रेड तो ये हमारा लास्ट आंसर ये थी हमारी फुल एक्सरसाइज फाइव बी जिसमें हमने नंबर लाइन के बारे में पढ़ा नंबर लाइन पे कैसे हम इंटीजर्स की एडिशन सब्ट्रैक्शन सॉल्व करते हैं कैसे हम स्टेप मूव करने हैं तो वो सभी हमने पढ़ा अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद